नमस्कार, राघवेंद्र आई क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा वर्ण विचार का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम वर्ण विचार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब मैं बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर लिखती हूँ, आप उनके आंसर देना। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, ऊष्म वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। अब ये हमने वर्ण का टॉपिक किया था, उसमें हमने किया था कि ऊष्म वर्ण कौन से हैं हमारे। ऊष्म वर्ण वो हैं जिनमें गर्म श्वास वायु बाहर आती है संघर्ष करती हुई, वे हमारे ऊष्म वर्ण हैं। वो हमने कौन कौन से बताए थे ऊष्म वर्ण, तो हमारे ऊष्म वर्ण है स श स, देखो ल र व, यहां था हमारा य र ल व, कौन से थे य र ल व, ये हमारे कौन से थे, ये थे हमारे अंतस्थ व्यंजन, जो स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं वो कौन से होते हैं, अंतस्थ, तो ये हमारे नहीं हो सकते। अब क ज भ, ये देखो आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था कि हमारे स्पृष्ट व्यंजन है 25, क से लेकर के म तक क्या है हमारे स्पृष्ट व्यंजन, तो ये भी हमारे नहीं हो सकते। य त द, ये मैंने बताई दिया जो यह है ये कौन सा होता है, अंतस्थ होता है। अब रहा त द, त और द इसमें ही आ जाता है, क से म के बीच में ही आ जाता है हमारा त द, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या हुआ, स श स, ये हमारे कौन से हैं, ऊष्म वर्ण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, जिनको कंठ से बोला जाता है वो वर्ण कौन से हैं। देखो अ ख घ ह, ट श र ड, ल ओ न श, च ग य ज, इनमें कौन से हैं जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। तो हमने इसके लिए एक ट्रिक को पढ़ा था, आपको ध्यान हो हमने एक ट्रिक बताई थी इसके लिए, और ट्रिक हमारी क्या थी, देखो अकुह विसर्जनीय, क्या था अकुह विसर्जनीय, किसे बोला जाता है ये अकुह विसर्जनीय, विसर्जनीय ये बोले जाते हैं हमारे कंठ से, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, अ, ठीक है, अ और आ दोनों आ जाएंगे, फिर क्या है कु यानी कि पूरा कवर्ग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा ह आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे विसर्ग, ये हमारे किस में आ जाएंगे, कंठ, इचु यस तालु से, रीटु रस मूर्धा से, अच्छा तुलस जो है हमारा दंत से, उपपद ओष्ठ से, ये सब हमने वर्ण विचार के टॉपिक में किया था। हमारी वर्ण विचार की तीन क्लास थी और तीनों क्लास में बड़े डिटेल से इनको पढ़ाया गया था। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आप देख रहे हैं ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप इनका आंसर देखो, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हुए, अ अह, हाँ अ हमारा है, अ से आगे देखो हो सकता है अ और भी ऑप्शन में हो, लेकिन उससे आगे देखो कवर्ग, कवर्ग में क्या आता है पूरा कवर्ग, क ख ग घ, अंग है कहीं, ख भी है घ भी है और हमारा ह भी है, तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हुए हमारे, अ ख घ ह, ये हमारे दो क्वेश्चन हुए। अब हम आगे चलते, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्राण वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का कौन सा। अल्प प्राण वर्ण ये हमने करवाए थे, हमने किए थे, चलो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, चलो करें इसको एक्सप्लेन आगे। देखो अल्प प्राण, इसको भी हमने एक ट्रिक से याद किया था, अल्प प्राण हमारे कौन से, श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार किए थे हमने दो, कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण को देखो, अल्प में कितने वर्ण है हमने किया था, एक दो और तीन, ये जो तीन है ये तीन, ये तीन हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण ले लेंगे हम, कैसे, पहला तीसरा और पांचवा, कैसी हैं ये सारे विषम है, वह ले, वो उठा लेंगे हम यहां से और वो हमारे कौन से हो जाएंगे, अल्प प्राण। अब देखो आप ऑप्शन में, पहला चौथा तीसरा नहीं होगा,
चौथा पांचवा पहला नहीं होगा, पहला तीसरा पांचवा, कौन से थे? पहला तीसरा पांचवा, ये हो जाएगा हमारा अल्पप्राण, ये हो जाएंगे, पहला दूसरा पांचवा नहीं होगा, ये नहीं होंगे। हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन बी, पहला तीसरा पांचवा, ये हमारे अल्पप्राण हैं। अब चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ई च वर्णों का उच्चारण स्थान है, यानी कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से, तालु से, ओष्ठ से या मूर्धा से? आपने याद किए होंगे, ठीक है, हमने वर्ण में किया था उच्चारण के आधार पर व्यंजनों या वर्णों का वर्गीकरण, तो हमने किया था, देखो वो ट्रिक बताई थी हमने, अकूह विसर्जनीय, ईचू यस, रितु रस, तुलस, उपपद, ऐसे हमने किए थे। अब बात आ रही है ई च यस, तो अकूह विसर्जनीय कहां से बोले जाते हैं? कंठ से, तो कंठ हमारा नहीं होगा। बात उसके बाद आ गया हो, इचु यस कहां से बोले जाते हैं? कंठ से ऊपर हमारा क्या है? तालु, तो इचु यस कहां से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं, ई च य और स। अब आगे है हमारा ऑप्शन में ओष्ठ, ओष्ठ कैसे बोले जाते हैं? उपपद, प फ ब, ये हमारे किस में चले जाते हैं? ओष्ठ में। और मूर्धा से हमारे कौन से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं हमारे रितु रस, री ट ठ ड ढ, ये हमारे किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। तो ये था वर्णों का उच्चारण स्थान। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है, अगर वर्ण का चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो आप क्वेश्चनों के आंसर बड़ी आसानी से बता दोगे, और ये सभी क्वेश्चन हमारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, देखो ड वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, या इसको बोल देते हैं अंग, ठीक है। तो आपको याद है व्यंजन, सारे याद हैं। अगर व्यंजन आपको याद है तो आप बता दोगे कि ड वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है हमारा। तो कचट तप आपको याद है? कचट तप हमने याद किया था, क्या याद किया था हमने? कचट तप, क च ट त और प, इसमें हमने किया था क ख ग घ ङ, या फिर ड हमने किया था। उसके बाद क्या आता है हमारा? च, च छ ज झ ञ। अब देखो अड़ वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? अंग वर्ण के बाद आपसे पूछा गया, तो क्या आ जाएगा हमारा? च। ध कब आता है? त थ त। न कब आता है हमारा? न आता है हमारा त थ द ध न में ही आ जाएगा। ल कब आता है हमारा? यर लव में आता है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि अंग वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो च जो है वो अंग वर्ण के बाद आता है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ड वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ड ड हमारा जब हम बोलते हैं तो कहाँ से बोला जाता है? कंठ तालु से बोला जाता है, या तालु से बोला जाता है, या दंत से बोला जाता है, या मूर्धा से बोला जाता है, हमें ये देखना है। देखो कंठ और तालु से हमने याद किया था अकूह विसर्जनीय, ईचू यस, ठीक है, रितुरस, रितुरस देखो री टवर र और श, हमारा पहले कंठ काम करता है, फिर तालु, फिर हमारा क्या काम करता है? मूर्धा। तो ट वर्ग में हमारा क्या आता है? ट ठ ड। तो ये जो हमारा ट ठ ड ढ, ये ढ हमारा कहाँ आता है? ये ढ हमारा ट वर्ग में आता है, और जो हमारा ट वर्ग है वो कहाँ से बोला जाता है? वो हमारा मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। कंठ तालु से क्या बोला जाता है? ए आई, ये कहां से बोले जाते हैं? कंठ तालु से बोले जाते हैं। और तालु से क्या बोला जाता है हमारा? इचुयस, क्या बोला जाता है? इचुयस। और हमारे दंत से हम क्या बोलते हैं? बोल के देखना, दंत से हम क्या बोलते हैं? तुलस, त थ द ध, ये सारे कहां से बोले जाते हैं? दंत से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हमने हिंदी वर्णमाला में स्वर पढ़े थे कितने? 11, और दो हमारे क्या थे? अयोगवाह। तो वो दो अयोगवाह हमारे कौन से हैं? हमने इसको अच्छे से पढ़ा था और बताया भी था। तो हमारे अयोगवाह हैं अंग और अह। इसमें क्या शेष रहता है? अंग में अनुस्वार और अह में विसर्ग, ठीक है। वही विसर्ग किस में जाते हैं? अकूह विसर्जनीय, जो कि कहां से उनका उच्चारण होता है? कंठ से। आया समझ में? अब नेक्स्ट आगे देखो,
हिंदी की क ध्वनि व्याकरण की दृष्टि से क्या है? जो क ध्वनि है इस क को हम बोलते हैं, तो ये व्याकरण की दृष्टि में है क्या? अल्पप्राण सघोष या फिर अल्पप्राण अघोष या महाप्राण? ये ए, ये हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। अब अल्पप्राण सघोष है क्या क हमारा, या महाप्राण सघोष है, या अल्पप्राण अघोष है, या महाप्राण अघोष है, हमें यह देखना है कि क कहां से बोला जाता है। अब देखो अल्प, अल्प में क्या आया था, तीन थे, पहला दूसरा तीसरा, ये तीन है, ये तीन कैसे, ये विषम संख्या है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा कहां, अल्प प्राण में। अब क, क कब आता है, क को देखो व्यंजन में जब हम बोलते हैं, क पहले स्थान पर आता है, पहला है, ठीक है, कहां आएगा, अल्प में आएगा। अब देखो सघोष, सघोष कौन कौन से होते हैं हमारे, ये हमने बताया था कि स्वर तंत्री के आधार पर हमारे व्यंजन जो है ये दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, अघोष और सघोष। अघोष में क्या आता है, अ पहले आया तो हमने कौन से लिए, पहला और दूसरा, ठीक है। तो यहां देखो सघोष, सघोष श है, इसके इसका मतलब अघोष में आना था हमारा पहला और दूसरा, सघोष में क्या आ जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा, लेकिन हमने बताना क्या है, क ध्वनि, तो क तो यहां नहीं आ रही, ये तो नहीं है हमारा। आगे चलो महाप्राण, महाप्राण में क्या आता है, महाप्राण में हमारे प्रत्येक वर्ग का, देखो महा में कितने हैं वर्ण है, दो, तो दो कैसी संख्या, सम संख्या है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा किस में आ जाएगा, महाप्राण में, लेकिन ख हमारा पहला है तो महा में नहीं आएगा, ठीक है। सघोष, सघोष अभी हमने बताया तीसरा चौथा पांचवा, ये भी हमारा नहीं हो सकता। आगे आ जाओ अल्पप्राण, अल्पप्राण अभी हमने ऊपर किया था पहला तीसरा पांचवा, अब सीधी सी बात है यहां से हमें ये तो पता चल गया कि ये अल्पप्राण का है, अल्पप्राण का है, क्योंकि पहला तीसरा पांचवा, क ध्वनि कहां आती है, पहले वर्ग में आती है, तो अल्पप्राण में। लेकिन सघोष में क्या आता, सघोष में आता हमारा तीसरा चौथा पांचवा, और अघोष में क्या आता, पहला और दूसरा, तो यहां क ध्वनि व्याकरण की दृष्टि से किस में चली जाएगी, अल्प प्राण में तो जाएगी ही, साथ में किसमें, अघोष में जाएगी, ठीक है। तो महाप्राण सघोष नहीं हो सकता, महाप्राण अघोष भी नहीं हो सकता, और अल्प प्राण सघोष भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, अल्प प्राण अघोष। आ गया समझ में, नेक्स्ट आगे देखो, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, ल ध्वनि बतानी है। ये हमने किए थे कि ल जब हम बोलते हैं तो इन वर्णों को, कुछ वर्णों को उपनाम दिया गया है, र को क्या दिया गया है, ल को क्या दिया गया है, ऐसे, तो ल जो है वो हमारा कैसा वर्ण है, वो हमारा पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक वर्ण कैसे है, जब हम बोलते हैं तो जो हवा है वो जीवा की साइडों से बाहर आती है, पार्श्व यानी कि पीछे से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक। अब हमने उत्क्षिप्त ये भी बताए थे, उत्क्षिप्त कौन से होते हैं, हमारे अड जिनके नीचे डोट आता है, डोट को क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं, और ड ये हमारे क्या है, उत्क्षिप्त है, और परकंपित, परकंपित हमारा र परकंपित है, और संघर्षहीन जिसमें हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता वो हमारे संघर्षहीन, जैसे य र ल व, ये हमारे अंतस्थ भी और इनमें संघर्ष भी नहीं होता, क म से बहुत सारे, लेकिन जो च वर्ग है वो हमारा स्पर्श संघर्षी है, संघर्ष से हीन, और जो रह गए हमारे वो कैसे हो जाएंगे, संघर्ष से हीन। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आप इनको ध्यान से देखना, पढ़ना और इनके आंसर हमें देखना, बताना। अगर नहीं समझ में आए तो हमने वर्ण का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, उसको आप दोबारा से देखना, वहां से उसको पढ़ना। तो इन दो क्वेश्चन को आप ट्राई करना, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में डालना। देखो सारे क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं हमारा वर्ण विचार का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमारे वर्ण विचार के टॉपिक को एक बार फिर से देखना, पढ़ना, समझना। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में शब्द विचार का टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।